बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से एलजेपी का अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ विधानमंडल और विधानसभा में पार्टी शून्य हो चुकी है, तो वहीं एलजेपी के नेता भी लगातार घटते वर्चस्व को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कवायद तेज कर दी है। वो ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे एलजेपी का चिराग फिर से जल सकेगा। रामविलास पासवान के दुनिया से जाने के बाद चिराग पासवान ने जब पार्टी की जिम्मेदारी संभाली तो लगा कि वो एलजेपी का सितारा चमकाएंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि चिराग रोशनी करने के बजाय अंधेरा कर गए। और जब से विधानमंडल और विधानसभा में पार्टी की एक भी सीट नहीं बची, तब से चिराग के साथ साथ पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। इन सवालों के बीच पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एलजेपी को फिर से मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने बिहार के जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। इस सूची में नए लोगों के साथ पुराने लोगों को भी जगह दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने सूची जारी करते हुए पटना जिले में दो, पटना पूर्वी की जिम्मेदारी राकेश कुमार सिंह और पटना पश्चिम की जिम्मेदारी चंदन यादव को दी। इस सूची में 36 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, खगड़िया समेत कुल 35 जिलों के एक एक अध्यक्ष बनाए गए हैं। पश्चिमी चंपारण में बेतिया के अध्यक्ष दीपक कुमार मिश्रा को बनाया गया है, जबकि बगहा की जिम्मेदारी दीपक मालाकार को सौंपी गई है। एलजेपी में फेरबदल की यह कवायद उस वक्त तेज कर दी गई जब विधानमंडल और विधानसभा में इकलौते विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह ने भी दो दिन पहले ही जेडीयू की सदस्यता ले ली, जिसने चिराग पासवान की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इसलिए वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना होगा कि क्या चिराग फिर से एलजेपी में रोशनी ला पाएंगे या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।